CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तिदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम हमदर्दी। एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहाँ जाता था। मियां मिस्कीन के कूचे में पहुंचा तो बहुत से चपरासी पियादे एक घर को घेरे हुए थे और बहुत से तमाशाए भी वहां जमा थे। ये देखकर मैं भी उन लोगों में जा घुसा। मालूम हुआ कि एक गरीब बूढ़ी सी औरत है, छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी पियादे उसके मियां को पकड़े लिए जाते हैं इस वास्ते कि उसने किसी बनिए के यहां से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डिग्री जारी कराई थी। वो मर्द मानता था कि कर्जा वाजिब है, मगर कहता था, क्या करूं इस वक्त, बिल्कुल तही दस्त हूं। हर चंद उस बेचारे ने बनिए की और सरकारी पियादों की बेहतरी खुशामत की, मगर न बनिया मानता था न पियादे बाज आते थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहां खड़े थे उन्होंने भी कहा, लाला जहां तुमने इतने दिनों सब्र किया, 10 या 5 रोज और सब्र कर जाओ। बनिया बोला, अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही। बरसों का नानवा और रोज की टाल मटोल, भगवान जाने अभी खान साहब की इज्जत उतरवाए लेता हूँ। वो शख्स जिस पर डिग्री जारी थी गरीब तो था, लेकिन गैरतमंद भी था। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया सुर्ख हो गया और घर में घुस तलवार मयान से निकालना चाहता था कि बनिए का सर अलग कर दे, कि उसकी बीवी उसके पैरों से लिपट गई और रोकर कहने लगी, खुदा के लिए क्या गजब करते हो, यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो, क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं। माँ को रोता देखकर बच्चे इस तरह धाड़े मार कर रोए कि मेरा दिल दहल गया। दौड़कर सब के सब बाप को लिपट गए। उनकी ये हालत देखकर खान साहब भी ठंडे हुए और तलवार को मयान में डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक वक्त फिर मुझको इस बेइज्जती से बचने की कोई तकबीर बता। बला से जो चीज घर में है उसको देकर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाओ। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसे होगी देखी जाएगी। तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की हल्की बेकलई दो पतीलियां, बस यही इस घर की कुल कायनात थी। चांदी की दो चूड़ियां, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार, उस नेक बख्त औरत के हाथों में थी। ये सब सामान खां साहब ने बाहर लाकर उस बनिए के रूबरू रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीजों को हाथ ही नहीं लगाता था। लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, यहां तक के उन सरकारी पियादों को भी रहम आया। उन्होंने भी बनिए को समझाया। बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ कि 5 रुपए असल, 2 रुपए सूद, सातों के सातों दे दें तो फारिग खती लिख दे। लेकिन खान साहब का कुल असासा 4-4.5 से ज्यादा का ना था। तब फिर घर गए तो बीबी से कहा, बस 2.5 रुपये की कसर रह गई है। अब तो कोई चीज मेरे पास नहीं। हाँ, लड़की के कानों में चांदी की बालियां हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े। वो लड़की कोई 6 बरस की थी, बस बईना जितनी हमारी हमीदा। अम्मा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वो लड़की इस हसरत के साथ रोई,
मैंने दिल में कहा, इलाही इस वक्त मुझसे कुछ भी इसकी मदद नहीं हो सकती। फौरन ख्याल आया कि एक रुपए और कोई दो आने के पैसे तो नकद मेरे पास हैं। देखो टोपी बिक जाए तो खान साहब का सारा कर्जा चुक जाए। बाजार तो करीब था ही। फौरन मैं गली के बाहर निकल आया, रुमाल तो सर से लपेट लिया और टोपी हाथ में ले एक गोटे वाले को दिखाई। उसने छह की आंकी। मैंने छूटते ही कहा, ला बला से छह ही दे। गरज छह वो, एक मेरे पास नकद था, सातों रुपए मैंने चुपके से उस औरत के हाथ पर रख दिए। तब तक प्यादे खान साहब को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे और घर में रोना पीटना मच रहा था। दफतन पूरे सात रुपए हाथ में देखकर उस औरत पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। इस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपया कैसा है और किसने दिया है। फौरन अपने हमसाए को रुपए देकर दौड़ाया और खुद बच्चों समेत दरवाजे में आ खड़ी हुई। बात की बात में खान साहब छूट आए तो बच्चों को कैसी खुशी हुई कि कूदें और उछलें। अबू, अबू। कभी बाप के कंधे पर, कभी माँ की गोद में और कभी एक पर एक। अब उस औरत को मेरा ख्याल आया और बच्चों से बोली, अरे कमबख्तों क्या उधम मचाई है। दुआ दो इस अल्लाह के बंदे की जानो माल को, जिसने आज बाप की और तुम सब की जाने रख ली, नहीं तो टुकड़ा मांगे ना मिलता। खुदा का शुक्र है, रूखी सूखी रोज के रोज दो वक्त नहीं तो एक ही वक्त मिल तो जाती है। हमारे हक में ये लड़का क्या है, रहमत का फरिश्ता है। न जान न पहचान, न रिश्ता न नाता, और इस अल्लाह के बंदे ने मुट्ठी भर रुपए देकर आज हम सबको नए सिरे से जिंदा किया। वो बच्चे जिस कदर शुक्रगुजारी की नजर से मुझको देखते थे, उसकी मसरत अब तक मैं अपने दिल में पाता हूँ। रुपए खर्च करने के बाद मुझको उम्र भर में भी ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी उस दिन थी। गौर कीजिए, डिप्टी नजीर अहमद उर्दू के मशहूर अदीब और आलिम थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। इस सबक में उन्होंने एक बच्चे का वाकया बयान किया है जो दूसरों के साथ हमदर्दी करता है और मुश्किल घड़ी में काम आता है। जो लोग परेशानी में हों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस सबक में डिप्टी नजीर अहमद ने अपने जमाने की दिल्ली की आम बोलचाल की जबान इस्तेमाल की है। लफ्ज और मानी, प्यादे, पैदल सिपाही, डिग्री, अदालती फैसला, सरकारी हुक्म, वाजिब, जिसे जिसका अदा करना जरूरी हो, तही दस्त, खाली हाथ, मुफलिस, नानवा, कर्ज, चढ़ी हुई रकम, दिल दहल जाना, कांप जाना, नेक बख्त, सीधा सादा, शरीफ आदमी, तदबीर, तरकीब, हिकमत, पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, कायनात, सरमाया, पूंजी, रूबरू, आमने सामने, रजामंद होना, बात मान लेना, फारिग खती, रसीद, कर्ज के वसूल हो जाने का सर्टिफिकेट, असासा, सामान, पूंजी, कसर, कमी, बयीना, हूबहु, ठीक उतनी ही, आंकना, कीमत लगाना, दफतन, यक बयक, अचानक, शादी मर्ग, खुशी के मारे मर जाना, कैफियत, हालत, हमसाया, पड़ोसी, शुक्रगुजारी, एहसान मंदी, दस्तगीरी करना, मदद करना, सहारा देना, मसर्रत, खुशी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमदर्दी। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर परवेज गौहर और शमाइला परवेज, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना और निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।
तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।